हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 11 में आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले भी हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कराया था, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आप लोग पार्ट 3 भी देखे होंगे और आज ये पार्ट 4 है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज्यादा लंबा है और इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझाएंगे आपको। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया पूरा समझाऊंगा क्रम-क्रम से, और एक-एक रासायनिक अभिक्रिया, दो-दो रासायनिक अभिक्रिया एक लेक्चर में देता हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और उतना आप तैयार कर लो। जितना हिंदी लिखाता हूं उतना आप लिखो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में निर्जलीकरण। देखो बच्चों, इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, धूम मचा है चारों तरफ, है ना। साउंड तो इतना तेज आता है, लेकिन हो सकता है जब बोलने लग जाओ तो माइक थोड़ा आवाज कैच करता है, लेकिन साउंड बहुत तेज है। हम पढ़ा रहे होते तो कभी कभी गाना बिल्कुल सुन ही रहे हैं, गाना चल ही रहा है, सुनाई दे रहा है, मैया भवन विराजे, है ना। चलो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ने वाले निर्जलीकरण। बच्चों, निर्जलीकरण का शाब्दिक अर्थ समझो। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि निर्जलीकरण शब्द मिल जाए, मतलब उसमें जो भी हम कंपाउंड लेंगे वहां से जल के अणु बाहर निकलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। निर्जलीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण में हमने कहा था कि यदि हाइड्रोजनीकरण शब्द आए तो हाइड्रोजन जुड़ता है, डिहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकलता है, जल अपघटन मतलब जल टूट करके योग करता है, लेकिन निर्जलीकरण मतलब जल का अणु वहां से टूट करके बाहर निकलता है, समझ रहे हो। मतलब यौगिक से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल का अणु बन जाता है, भाई जल का अणु बनाते हैं और जल का अणु बाहर जाता है। निर्जलीकरण मतलब यहां से अल्कोहल से हम जल के अणु को बाहर निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब भी निर्जलीकरण होता है मेरे बच्चों, तो इसमें जो है अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन संयोग करता है। बीटा हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल चिंता ना करो, पहले आपको लिखना क्या है वो चीज आप समझ लो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में अल्कोहल को गर्म किए जाने पर जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। मतलब हम H2SO4 की अधिकता में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे, अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहल भी, द्वितीयक अल्कोहल भी, तृतीय अल्कोहल, तीनों को हम गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे बच्चों तो पानी का अणु कहां होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें एल्कीन बनेगा। एल्कीन कैसे बनेगा, यानी जिस भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड आपको दिख जाए तो वो एल्कीन कहलाता है। साथ में OH जो समूह है इसके साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। मतलब OH सिंगल तो आपका पानी कहलाएगा नहीं, OH में एक H जुड़ जाए तो बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। तो भाई OH में एक H की जरूरत पड़ती है। देखो जरा, ये हमारे पास OH है, इसमें एक H की आवश्यकता है, जब एक H इसको मिल जाता है तो H2O का निर्माण करता है। तो ये हाइड्रोजन कहां से पाएगा, बीटा हाइड्रोजन परमाणु, है ना, प्राप्त करेगा। अब बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, देखो थोड़ा सा आप लोग समझ लो तभी तो आप कर पाओगे कि हाँ बीटा या अल्फा है क्या। जैसे मैं बात करता हूं CH2 CH3 CH2 OH, तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्रियात्मक समूह है इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में जो भी जुड़ा है वो बीटा कार्बन है। क्या है, बीटा कार्बन, और जो भी हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या, बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। मतलब जल के अणु जैसे हमारा OH है तो ये OH कहां से प्राप्त करेगा, इस बीटा वाले कार्बन से H को प्राप्त करेगा और आपस में संयोग करके H2O का निर्माण करेगा। बस यही है निर्जलीकरण, यही है निर्जलीकरण। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों अल्कोहल हम साथ लेकर चलेंगे। प्राथमिक कब कहलाएगा, द्वितीयक कब कहलाएगा, जैसे मैं यदि मेरे पास है OH, देखो रासायनिक अभिक्रिया दूंगा बच्चों, मेरे पास है OH, क्या है OH, इसके साथ जो भी कार्बन है उसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हो, इस कार्बन के साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो वो प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां पर OH है, इस कार्बन के साथ यदि दो कार्बन समूह जुड़े तो फिर वो हमारा द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। जैसे मेरे बच्चों मैं OH की बात करता हूं, इसके साथ जो कार्बन है उसमें तीन समूह जुड़े हैं, यानी तीन कार्बन जुड़े तो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ये प्राथमिक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, ये भी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, ये भी मेरे बच्चों H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, ये भी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, लेकिन ये टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। लगभग ये मेरे बच्चों 170 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो जाता है, ये जो द्वितीयक है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ये और कम टेम्परेचर पर सफल हो जाता है, यानी क्रिया कर लेता है। अब यहाँ पर H2SO4 की परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप परसेंटेज लिखो, बस सिंपल ध्यान रखो कि गर्म कर रहे हैं। यदि टेम्परेचर भी याद नहीं है आपको तो बस सिंबल लगा देना गर्म करने की, बस सिंपल, ठीक है। इसके यदि परसेंटेज आपके बुक में दिया रहेगा कि 95% हमारा H2SO4 रहता है इसकी अपेक्षा,
इसमें यदि हम 60% की बात करते हैं, इसमें मात्र 20% रहता है, ऐसा इसकी मात्रा होती है, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये कैसे क्रिया करेगा, देखो जरा, ठीक है। यहां से जो OH है, यहां से जो OH, ये देखो OH, ये एक हाइड्रोजन कहां से लेगा बच्चों, बीटा हाइड्रोजन को उठाएगा, यानी बीटा कार्बन से उठाएगा। जैसे OH है तो ये अल्फा हो गया, इसके दो बीटा है, दो बीटा समावेशी, तो किसी एक से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों OH है, किसी एक से हाइड्रोजन ले लेगा, किसी भी बीटा कार्बन, जैसे इसमें दो बीटा कार्बन है, इसमें तो तीन बीटा कार्बन है, अल्फा हो गया बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, क्योंकि तीनों के बाद भाई इसके साथ भी जुड़ा, इसके साथ, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ तीनों कार्बन जुड़े हैं, तो ये तीनों बीटा कार्बन है और इनके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, तो किसी से भी ले सकता है, इससे भी आप ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, इससे कोई से भी ले सकते हो, सब बराबर मात्रा में। अच्छा चलो भाई, ले लिए हम, तो कितना बचेगा बच्चों, ये जो हमारा OH है, AH उठाएगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O, इसमें भी हमारा H2O, इसमें भी हमारा H2O, तीनों में H2O मिल रहा है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यहां तक क्लियर है आपको सबको, ठीक है। देखो बच्चों, यहां से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा और डबल बॉन्ड CH2। ऐसा मैं क्यों कर दिया, क्योंकि भाई साहब यहां पे CH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया CH2, कार्बन की बैलेंसी होती चार, कार्बन की चार बैलेंसी होती है, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, दो की बैलेंसी और चाहिए, तो दो बंद बना दिया हमने, एल्कीन तो बनाता ही है। देखो जरा यहां पे, देखो ये मैं बात करूं, देखो ये CH3 है कि नहीं, CH3 CH से जुड़ा है, मैं जोड़ देता हूं, CH3 CH से जुड़ा है। अब ये जो CH2 था, सॉरी CH3 था, यहां पे CH3 था, तो एक हाइड्रोजन दे दिया तो कितने बचा, CH2 बचा। अब कार्बन की बैलेंसी के आधार पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, लोगों को दिक्कत हो जाती है कि डबल बॉन्ड आया कहां से। देखो इस कार्बन की बैलेंसी आप देख लो, चार होती है, तो एक बंद इधर, एक बंद इधर, एक हाइड्रोजन से तीन हुआ, तो एक और बंद बनाने के लिए इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेता है, दो बंद का निर्माण करता है। अब इस कार्बन की बैलेंसी देख लो, दो बंद हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया बच्चों, तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी बात करें, इसमें देखना बढ़िया है, दो CH3 है तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रोका टोकी नहीं रहेगा, CH3 CH3, और ऊपर बचा CH2, लगा दो डबल बॉन्ड, सिंपल है। तो ये हमारा बन गया तीनों प्रकार का यौगिक, यानी प्राथमिक एल्कोहल की बात करें, चाहे द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, चाहे तृतीयक एल्कोहल की बात करें, तीनों के तीनों ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, ये आपका जो है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, ये मेरा जो है सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल, ये मेरा थर्ड डिग्री एल्कोहल है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मेरा फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, फिर समझ लो, ये जो OH है बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन उठाता है, ये OH है, इसके दोनों बीटा कार्बन है, या दोनों बीटा आपके हाइड्रोजन है, तो यहां से उठाएगा, ये मेरा OH है तो इसके तीनों बीटा कार्बन है, तो तीनों से कोई से भी उठा सकता है, जरूरी नहीं कि हम डबल बॉन्ड यहां लगाए, यहां से उठा के यहां रख दो, इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इस तरीके से मेरे बच्चों आप परेशान मत होना। और ये एल्कीन कैसे कहलाया, क्योंकि मेरे बच्चों इसमें भी दो मतलब डबल बॉन्ड है, दुई बंद है, यहां भी दुई बंद है, यहां भी दुई बंद है, तो मतलब ये एल्कीन का ही यौगिक है। तो ये हो गया एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निर्जलीकरण यदि आएगा तो इसमें कोई इधर उधर घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एल्कोहल के निर्जलीकरण को ही समझाओ, दो नंबर में पूछ दिया जाएगा, तीन नंबर पूछ जाए अल्कोहल के निर्जलीकरण को ही समझाओ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अल्कोहल का निर्जलीकरण, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो ये मेरा पहला आज का रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन ये है इथरीकरण, क्या इथरीकरण, ईथर का निर्माण। अब देखो अभी हमने लिखा था कि सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में एल्कोहल को गर्म किए जाने पर जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, निर्जलीकरण ही होगा, लेकिन ईथर का निर्माण होगा, ठीक है। निर्जलीकरण में ही एक आप दूसरा अभिक्रिया लिख सकते हो, ईथरीकरण, ईथर का निर्माण। इसमें एल्कीन बना था, तीनों में एल्कीन, क्योंकि इसमें H2SO4 थोड़ा सा अधिक था। अब हम क्या करेंगे, यदि एल्कोहल अधिक ले लें, एल्कोहल अधिक ले लें तो हमें ईथर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, मिटा दूं, चलो आप लोग प्लीज लिख लिया करो, एक एक दो दो रिएक्शन कराता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और याद भी हो जाए। हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, किस किस प्रकार से मैं करा रहा हूं उसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज का दूसरा रिएक्शन है ईथरीकरण, कोशिश करते हैं कि एक दो रिएक्शन तो करा ही दें, दो तीन भी हो सकता है ना। तो ईथरीकरण पढ़ो, हेडिंग लगाओ ईथरीकरण। अब हमने अभी इसके पहले निर्जलीकरण में आपको ये बताया था एल्कोहल का, है ना,
निर्जलीकरण में आपको ये बताया था कि H2SO4 की अधिकता में हम अल्कोहल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, अल्कोहल को गर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जलीकरण के अंतर्गत यदि हम अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं, देखो निर्जलीकरण का ही एक रूप है, परेशान मत होना, निर्जलीकरण के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। निर्जलीकरण के अंतर्गत अल्कोहल की अधिकता लेने पर अल्कोहल की अधिकता में, मतलब अल्कोहल अधिक ले लो, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल हो, अल्कोहल की अधिकता में ईथर बनता है, बाकी सेम रिएक्शन है और बाकी दुनिया की रिएक्शन नहीं आई कि अलग से आ रहा है, कुछ नहीं, निर्जलीकरण के अंतर्गत ही, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं, निर्जलीकरण के अंतर्गत ही है, निर्जलीकरण से ही ईथर बना सकते हैं, अल्कोहल से हम ईथर बना सकते हैं। और ईथर बनाने की विधि में भी आप पढ़ोगे, जब ईथर का आएगा अल्कोहल फिनाइल ईथर, इस चैप्टर में तीन है ना, मतलब मेन रूप से टॉपिक है, यानी तीन चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो, अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हो, फिर फिनाइल पढ़ोगे, फिर ईथर पढ़ोगे, तो ये अभिक्रिया आपको मिलेगा देखने को। जैसे बच्चों देखो, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास R है, OH है, ठीक है, इसकी क्रिया किससे करानी है, H2SO4। तो पहले बच्चों इसकी अधिकता ले लेते हैं, अधिकता मतलब ज्यादा मात्रा में, H2SO4 की उपस्थिति में ही क्रिया होगा, तो H2SO4 ले लो, तो जानते हैं क्या बनाएगा, ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR, सही बात है, और H2O बाहर हो जाएगा, निर्जलीकरण ही हो रहा है, निर्जलीकरण ही हो रहा है। यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई, दो ऑक्सीजन है, देखो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन। अच्छा, इसको आप ऐसा समझो, जैसे मैं मान लो ROH, यदि मैं कह दूं CH3 है बच्चों और OH है, मतलब ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है, क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, ये CH3OH है और CH3OH है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, CH3OH है, CH3OH है। अब एक काम करो, इनमें कुछ नहीं बच्चों, ये OH को उठाओ और H को उठाओ, तो क्या बनाएगा, सेम वही रिएक्शन है, तो CH3 है ना, R के जगह CH3, यहाँ पे O बच रहा है तो O, यहाँ पे CH3 तो CH3, और पहले बच्चों HOH क्या बनाएगा, H2O, ठीक है, तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर, दो मेथिल समूह देख लो, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर है, ठीक है, तो ये मेथिल अल्कोहल था, ये भी मेथिल अल्कोहल, यहाँ पर हमने दो का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ कुछ नहीं किया है, तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ईथरीकरण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। इसके अलावा भी और रिएक्शन हम करा सकते हैं, जैसे मान लो इसके जगह हम लेते हैं C2H5OH, है ना, मेरे बच्चों C2H5OH, फिर होता क्या, ये H और OH क्रिया कर ले, इधर का OH उठाओ चाहे इधर का OH, इसलिए तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि इसमें एक बार इधर का OH ले, एक बार इधर का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बाद में कि ये सर आपने तो ऐसा कराया, हमारे सर तो भाई होता है प्रॉब्लम ना, जब नए नए खिलाड़ी होते हैं इस है ना गेम में, तो फिर दिक्कत हो जाता है कि यार इधर का OH हम इधर का ले सकते हैं, क्यों सर ऐसा नहीं कर सकते, तो कर सकते हो, इसलिए आपको डाउट ना रहे। तो ईथरीकरण में देख लो जरा, ये क्या था बच्चों, C2H5OH क्या है, मेथिल अल्कोहल है, क्या है, मेथिल अल्कोहल है, ओह एथिल है भाई, दो कार्बन है, अरे सर आप भी गलत बताओगे तो फिर होगा क्या, लो टेंशन नहीं लो, एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, दो हमारे पास एथिल तो डाई एथिल ईथर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि निर्जलीकरण में केवल एक ही चीज ले सकते हो, इसके अलावा भी कोई और पदार्थ ले सकते हो, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक और हम पढ़ लेते हैं, यदि नॉर्मल HNO3 हो और नॉर्मल हम खनिज अम्ल से क्रिया करा दें, इसको मिटाते हैं फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो एक और रिएक्शन करते हैं, तीसरा रिएक्शन, क्योंकि यार जितना रिएक्शन हो जाएगा उतना ही आसान है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर बहुत कोर्स पीछे चल रहा है, तो जितना फास्ट हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको उतना ही फास्ट करा दूं, समझ रहे हो। चलो देखो बच्चों, अगला नंबर आप लिख लो, खनिज अम्लों से क्रिया, क्या, खनिज अम्लों से क्रिया,
जो खनिज अम्ल हैं एल्कोहल, एल्कोहल खनिज अम्ल HNO3 व H2SO4 से क्रिया कर नाइट्रेट या हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो मज़ा भी आएगा और यदि नहीं समझोगे तो बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा। ये ऐसे रिएक्शन है। एल्कोहल कोई भी ले सकते हो अपने इच्छा अनुसार। मैं जैसे कहता हूँ CH3OH है, एल्किल के साथ OH जुड़ा है तो एल्कोहल है। इसका नाम कोई पूछेगा तो सर मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन है तो मेथिल और OH है तो एल्कोहल। इसकी क्रिया H2SO4 से कराओ तो मैं ऐसा करा सकता हूँ HSO4 ऐसा करा सकता हूँ HHSO4 बड़ा खतरनाक है यार। सल्फो समूह जोड़ना मुझे तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ। इसको देखो HOSO3H ये मेरा है क्या, H2SO4 है कि नहीं, H2SO4 इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2H है ना, 2H कर दिया, 2H कर दिया, देखो 2H ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ये लो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो OH है यहाँ से ना, ये जो OH है बढ़िया सा, ये OH है और H से क्रिया करके H2O बना देगा, क्या बना देगा, H2O बना देगा। बचेगा क्या बच्चों यहाँ पे CH3, यहाँ मेरे पास एक O है तो O कर दो, यहाँ SO3H या SO4 ही बनाता, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। SO4 तो सल्फेट हो जाता, तो यहाँ पर देखो मेथिल है तो मेथिल सल्फेट बना लिया, क्या बना लिया, मेथिल सल्फेट। ठीक है, मेथिल सल्फेट बना लिया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो यहां पर आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास CH3 तो मेथिल, SO4 तो सल्फेट, लेकिन बीच में आ गया हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ठीक है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास है इसलिए मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, इसकी जगह दूसरा ले लो सर, C2H5OH कर लो। ये क्या है बच्चों, दो कार्बन है तो एथिल, क्या एथिल, OH है तो एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल कहलाया, सही बात है। ठीक है, HOSO3H तो सिंपल है, यहां से H उठाओ OH उठाओ H2O बना लेगा, तो क्या बचेगा, C2H5O हो जाएगा, SO3H हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, एथिल है, ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है और SO4 सल्फेट है, क्या है, सल्फेट। इस प्रकार से ये क्रिया कर लेता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पहले बच्चों किसका हो, H2SO4 से क्रिया हो गया। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया करा सकते हो। ठीक है, सिंपल है। नाइट्रिक अम्ल कैसे क्रिया करेगा, मिटा दूं, क्लीन कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए फास्ट। आज का लास्ट रिएक्शन करेंगे, HNO3 से क्रिया कराना है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराऊंगा। देखो जरा कराता हूं, क्वेश्चन ही आ जाए कि एल्कोहल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए प्लीज आप लोग तैयार कर लेना। C2H5OH ले लेता हूं, यहां पे लेता हूं CH3OH, HNO3 इसको किस रूप में लिख सकता हूं, HONO2 लिख सकता हूं, HONO2 सेम उसी प्रकार करता हूं ताकि मुझे OH यहां से मिल जाए, मुझे OH यहां से मिल जाए। अब क्या करूंगा भैया, यहां से HONO2 ये नाइट्रिक अम्ल है, HONO2 ये भी नाइट्रिक अम्ल है, सिंपल है, कुछ नहीं, यहां से H उठाओ, यहां से OH उठाओ, यहां से H उठाओ, यहां से OH उठाओ, तो दोनों में हमारा H2O बन गया, यहां भी H2O बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे क्या बच्चों, C2H5O और यहां पर क्या है, NO2 है ना, प्लस यहां पे CH3 है, ओ NO2 प्लस। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं CH3NO3, तो ये बन जाता मेथिल, एक कार्बन है तो मेथिल नाइट्रेट, ये दो कार्बन है तो एथिल
नाइट्रेट। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। खनिज अम्ल के साथ भी क्रिया करा दो, मतलब फिर बच्चों H2SO4 और HNO3 के साथ क्रिया करा दो, तो इस प्रकार से आपकी यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। एक एक दो दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं होते, आप आधे घंटे हर दिन टाइम निकालकर तैयारी कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चन तैयार करते रहो ताकि आप लोगों को बोझ भी ना लगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।